हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट एरर। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जिनका रियूनियन हो गया आप जानते हैं कि आपसे ज़्यादा मैं खुश हूँ। आपके एक्सपीरियंसेस रियूनियन होने के पीछे, जैसे कि आपने कुछ मेहनत की है मैनिफेस्टेशंस और कितना सहा है सेपरेशन को, बहुत जैसे कहाँ गया था, सिर्फ मेरी तरफ से नहीं कहीं से भी आपने अगर सुना हो कि सेल्फ वर्क, सेल्फ वर्थ क्रिएट करना इस सेपरेशन को कितना जल्दी और अच्छे से ख़त्म कर सकता है, प्लीज़ अगर इस बात को आप शेयर कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। एंड मतलब आपके लिए बहुत खुश हूँ मैं, और जिनको नहीं हुआ है तो आपके लिए उतनी ही मैं दुखी हूँ, आप ये समझिए। इसीलिए ये रोज़ की रोज़ मेहनत जो चल रही है, ये मेहरबानी नहीं है, मेहनत है। ये इसी के लिए कि आपको बस एक पॉजिटिव रखने की उम्मीद दे सकूं। आपको एक मैनिफेस्टेशन की तरह ये रीडिंग्स काम करती है, एक हीलिंग की तरह मैं इंटेंशन से ये रीडिंग्स करती हूँ। तो अगर आपकी चॉइस है इंतज़ार करना तो आप ज़रूर इस जर्नी में रुकिए, वरना अपने आप को निगेटिव रखना, अपने आप को बेकार में बुरे हालात से ट्रीट करना या दुखी हो जाना, ये मेरा इस रीडिंग्स के मकसद नहीं है। तो अगर आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं, इंतज़ार करना चाहते हैं तो ज़रूर देखिए। सुबह की रीडिंग में भी मैंने शायद बताया था कि सॉल्ट बाथ लेना इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली जो इंसान, जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में डील कर रहे हैं, क्योंकि निगेटिव एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा है, आउटसाइड इंटरफेरेंस है आपके जो रिलेशन में ज़्यादा है, मतलब आप दोनों की वजह से, मतलब जैसे मुझे फील होता है कि कनेक्शन काफ़ी डीप है लेकिन एक आउटसाइड इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा है, पॉसिबल एक कोई भी हो, तो आप सॉल्ट बाथ ज़रूर लें जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था। करंट फीलिंग्स, उनकी क्या एनर्जी चल रही है, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, एंजल ऑफ लव अगेन आ गए हैं। और मुझे ऐसा लगता है ना, ये 10-10 पोर्टल खुलने के बाद काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है, कार्मिक्स भी ट्रिगर होंगे और जो ट्विन एंड सोल कनेक्शंस भी ट्रिगर होंगे, कार्मिक रिश्ते हैं तो वो भी ट्रिगर होंगे कि वो कहीं ना कहीं आपको या आप अपने आप को कुछ इंडिकेशन समझने लगेंगे, आप अपने ही अंदर कुछ बदलाव या कुछ ऐसा चीज़ फील कर पाएंगे कि बस हो गया, ये भी चीज़ हो सकती है। और 49 नंबर, एंजल ऑफ लव, तो एनर्जी काफ़ी वर्क कर रही है, खास करके मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो सैटर्न प्लैनेट का डायरेक्ट होना या शनि देव का अपने मतलब सीधे रास्ते, जब वक्री चल रहे थे वो सीधे रास्ते होना, ये बहुत बहुत मायने कर रहा है। शनिदेव यानी जस्टिस, न्याय के कारक है, और इस तरह से जिस मतलब ये काफ़ी एक 2-3 महीनों से जो एक उथल पुथल चल रही है, काफ़ी मतलब अफरा तफरी का माहौल चल रहा है। मैंने एक रेट्रोगेट सैटर्न इफेक्ट भी एक रीडिंग किया था, तो वो जो इफेक्ट है हर चीज़ का ना जैसे ख़त्म होते जा रहा है, अभी हर चीज़ का ना न्याय, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, जो होना चाहिए वो होगा, वो नहीं है तो नहीं होगा। तो ये जो एनर्जी है एंजल ऑफ लव, ये जो बिखर रही है ना, काफ़ी 2-3 दिन से आई थिंक मेरे रीडिंग्स में आ रही है, और एंजल ऑफ लव डेफिनेटली एक ऐसी एनर्जी है कि यहाँ पे जो प्यार का सक्सेस, जिनको न्याय मिलना है प्यार में, वो मिलके रहेगा। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो लोग मैनिफेस्टेशन या सच्चे प्यार के लिए तड़प रहे हैं उनकी जैसे ना सुनी जा रही है, ऐसा फील हो रहा है। तो एंजल ऑफ लव यानी प्यार का जो माहौल है, प्यार की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है और पॉजिटिव वाइब्रेशंस काफ़ी ज़्यादा फील कर रहे हैं। अगेन एंजल ऑफ बैलेंस, बैलेंस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा जोरों शोरों पर है कि उनकी जो आदतें थी निगेटिव, ऑब्सेसिव, गुस्से वाली और इन एंड आउट रहना, हर चीज़ जो आदतें देना, हर चीज़ बैलेंस में आ रही है। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि हर एक का कर्मा या कार्मिक सिचुएशंस कंप्लीशन में जा रही है, अभी हर चीज़ में न्याय की तरफ मूवमेंट मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि न्याय हो रहा है हर चीज़ का, जो जिसका जैसे कर्म वैसे न्याय होगा,
तो एंजल ऑफ बैलेंस, बैलेंस की एनर्जी काफी ज्यादा है. हीलर ऑफ द एजेस 51, तो हीलर ऑफ द एजेस यानी हीलिंग एनर्जी उनको मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से, आपकी तरफ से. आप जैसे जैसे अपनी हीलिंग कंप्लीट करते जा रहे हैं वैसे वैसे उनकी भी हीलिंग हो रही है. उनको वहां से, उस सिचुएशन से बाहर निकलने का एक जज्बा जाग रहा है. सोल कनेक्शन के लिए एक मतलब ना एनर्जी जाग रही है कि उनको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि इस कनेक्शन के लिए मेरे मन में इतनी अचानक से इतनी क्यों डिप डाउन फीलिंग हो रही है. कहीं रास्ते खुल रहे हैं तो कहीं कुछ सच सामने आ रहे हैं. जैसे कि थर्ड पार्टी का हो तो वो सच सामने आ रहे हैं. कहीं जो अपने साथ जो भी है उस सिचुएशन में उनको खुश नहीं देखना, एक ऐसी भी एनर्जीज है. क्योंकि हर चीज़ ना अभी जैसे ना रिश्ते या सिचुएशन कार्मिक थी तो वो कंप्लीशन पे है. अभी हर चीज ना मोमेंट में आ रही है. एनवी, तो 20 नंबर डेट कहीं भी कहीं तरह से इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए उनके लिए. एनवी, एनवी की एनर्जी जलन गुस्सा, ये मतलब जो लोग हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं है ये उनकी एनर्जी है. जलन गुस्सा मतलब जो ना एक निगेटिव एनर्जी काफी ज्यादा एक्टिवेट है. ये यहां से मुझे एक और चीज भी फील हो रही है कि इस रिश्ते में कहीं ना कहीं एक आउटसाइड इंटरफेरेंस में एक नजर लगने की भी एक बात है. एप्रिसिएशन एंड वॉकिंग अवे, आपको मैंने अभी जस्ट कहा था कि वो किसी सिचुएशन से बाहर निकलने चाहते हैं. वॉकिंग अवे 27 नंबर इंपॉर्टेंट है. 15 नंबर इंपॉर्टेंट है एप्रिसिएशन, अपने आप पे पर ध्यान है. और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको दूर से देख के वो अप्रिशिएट करते हैं, एडमायर करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं. कहीं ना कहीं आपको देख के ऐसा फील हो रहा है जैसे कि किसी के डीबीज हो, प्रोफाइल हो, इसमें एक एनर्जी झलकती है. एक एनर्जी ऐसी है जो उनको बहुत खींच रही है, बहुत एप्रिसिएशन की. मतलब अगर आपने खास करके सेल्फ ग्रोथ में ध्यान दिया है तो वो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है कि भले कुछ भी नहीं सही, अपनी फिजिकल हेल्थ पे भी आपने ध्यान दिया है कि आपने अपने आप कर बहुत वर्क किया हो, रोते धोते नहीं है और अपने मतलब अपनी जिंदगी को बहुत सीरियसली लिया है. किसी इंसान को इम्पोर्टेंस नहीं है, बस अपने आप को भी उतना इम्पोर्टेंस है. जैसे कि ये बात मैं जो बोल रही हूँ वो सेल्फिश होने की नहीं है. सेल्फ लव डिफरेंट है. सेल्फ लव मतलब अपनी अपना ख्याल रखना, अपनी जिम्मेदारी लेना, अपने लिए खड़ा होना. तो अगेन वॉकिंग अवे, जिस सिचुएशन था, जो भी कार्मिक था, निगेटिव था, उससे वॉकिंग अवे की एनर्जी डिफरेंट है. तो नंबर इंपॉर्टेंट है 15, 27, 20, 49, 48 एंड 51. 27 डेट, 15 डेट, 20 डेट किसी भी मायने में इंपॉर्टेंट हो सकती है. आपका उनका जन्मदिन हो सकता है, उस दिन पे आप मिले हो, एनिवर्सरीज हो या कुछ भी तरीके से. बट डेट इंपॉर्टेंट इसलिए कि हो सकता है उस डेट पे कुछ सिग्निफिकेंस हो जाए. 13 नंबर, अगेन 13 नंबर इंपॉर्टेंट आ रहा है और ये दिखा रहा है कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स. तो हाँ, उनकी लाइफ में फाइनेंसेस के प्रॉब्लम चल रहे हैं और इसका मुझे समान एक मेन रीजन तो ये दिख रहा है कि जैसे कि कार्मिक सिचुएशंस का उथल पुथल चलना और एक हद से एक फील हो कि मुझे एक स्ट्रांग वाइब्रेशन है कि आप है ना उनकी जिंदगी में एक लक की तरह काम कर रहे थे. एक लक की तरह माना कि उनकी लाइफ में अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, बट एक फेज होता है, एक लक का फेज होता है, एक चीज़ चलती है. तो उस लक के फेज में अभी उनका साथ देना छोड़ दिया है और उनका एक असली लक जो आप थे वहाँ कहीं ना कहीं एक डिस्टर्बेंस फील हो रहा है. क्योंकि उनको अगर आप वो आपको लकी चार्म बोलते थे कि अचानक से उनकी किसी सिचुएशन में अगर आपकी वजह से हमेशा उनको हेल्प होती आई है तो वो उनको कहीं ना कहीं याद आती होगी डेफिनेटली कि ये इंसान था तभी. डेफिनेटली ऐसा मतलब होता था कि कुछ काम बनता था, कुछ अचानक से कुछ सॉल्व होता था. रीजन चाहे जो भी हो, बस आपकी वैल्यू करे और बनते हैं प्यार करें पहले से भी ज्यादा, रिस्पेक्ट करें, रिस्पेक्ट.
तो क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा स्टेबल एनर्जी है, एनर्जी काफ़ी स्टेबिलिटी की तरफ मूव हो रही है, कमिटमेंट की दिख रही है, एक नो फियर है ना, फियर उनके मन में जो भी थी कि ये रिस्क ले सकते हैं कि नहीं या क्या सोचे, एक फियर है निकलने की, कुछ आपके पास आने की, जो फियर है मुझे वो निकलते हुए नजर आ रही है। यहाँ पे ये भी सिचुएशन है कि जो वॉकिंग अवे सिचुएशन है वो शायद जैसे कि उनके पेरेंट्स का प्रॉब्लम है या उनके स्पाउस का, हस्बैंड है या वाइफ है या पेरेंट्स है, तो वो प्रॉब्लम से वो वॉकिंग अवे की एनर्जी में है कि अब वो सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो हमें भी पता चलता है कि अभी ये चीज़ें ना ज़्यादा खींच नहीं सकती, एक वक्त के बाद जो ज़्यादा खींचा हुआ भी रबर भी टूट जाता है, क्योंकि एक लिमिट होता है, एक हद होती है हर चीज़ की, तो वो लिमिट क्रॉस होते मुझे नज़र आ रहा है आज वॉकिंग अवे की एनर्जी में। और आपके आपसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील ज़्यादा हो रहे हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अगेन कमिटमेंट आपकी तरफ और वॉकिंग अवे की एनर्जी वहाँ की तरफ फील हो रही है। द स्टार, बहुत ज़्यादा होप है, एक एक ऐसा, मैं हमेशा कहती हूँ आप उनको अभी ऐसा लग रहे हो ना कि इन तूफानों में, इन परेशानी में, इन अंधेरों में सॉरी इन अंधेरों में आप वो तारा हो जो दिशा दिखाता है, जो डायरेक्शन देता है, वो तारा हो, स्टार हो, स्टार आप। अब हो सकता है कि आप सोशल मीडिया में फेमस हों आप किसी भी तरह से, तो डेफिनेटली आपको चमकते हुए आपको देख रहे हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, कहीं ना कहीं से अगर उनको पता है आपका प्रोफाइलिंग और हर चीज़ के ऊपर आपकी नज़र है, आपके ऊपर नज़र है, और खास करके आपको अप्रिशिएशन, मतलब आपको आपके ऊपर मतलब इम्प्रेस है कि मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी फील हो रही है कि हाँ आपके काम को आपको सराहा जा रहा है। द डेथ, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कहा ना कि एनर्जी ऑफ बैलेंस है, द डेथ है, तो जो भी सिचुएशन है, एक तो जो सिचुएशन में कार्मिक सिचुएशन है उनकी डेथ हो चुकी है, और उस वजह से इस इंसान में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया है, काफ़ी ज़्यादा ऐसा बदलाव जैसे ने पूरा तोड़ के बदल दिया हो, क्योंकि डेथ का मतलब रिबर्थ होता है, क्योंकि जो सिचुएशन नहीं होनी चाहिए वो ख़त्म होती है और बस आगे एक नई शुरुआत होती है, इंसान को पूरी तरह बदल जाता है, बदला जाता है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, डिस्कशन चल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, खास करके थर्ड पार्टी सिचुएशन में, दोस्तों यारों में या कहीं से भी ऐसा डिस्कशन चल रहा है कि भाई क्या किया जा सकता है, एक वॉकिंग अवे की एनर्जीज के लिए, एक फ्रंट मूविंग की एनर्जीज के लिए, कि वहाँ से निकलना है ये एक मसला है और यहाँ पे आना है ये एक मसला है, तो अलग अलगों की अलग सिचुएशंस हैं, बट डेफिनेटली थर्ड पार्टी से भी एक वॉकिंग सिचुएशन मुझे फील हो रही है। द जस्टिस, जिस न्याय की, जिस कर्मा की मैं बात कर रही थी यही है वो, डेफिनेटली जस्टिस, न्याय, कर्मा का बात चल रहा है, हो सकता है कि वो किसी लीगल प्रोसेस में फंसे हो, लीगल प्रोसेस में जाने की तैयारी में हो, यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे वॉकिंग अवे की एनर्जी थी तो वाइब्स आ रही है कि जो लोग मैरिड है तो डिवोर्स प्रोसेस के लिए सोच रहे हैं, डेफिनेटली ऐसा फील हो रहा है कि अभी इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है, डेथ के बाद जस्टिस का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि डिवोर्स प्रोसेस में वो काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्या किया जा सकता है। अभी ये रीडिंग हर एक की अपने हिसाब से लेनी है, जो मैरिड सिचुएशन है लेकिन जो लोग मैरिड है लेकिन कनेक्टेड है तो वो कनेक्शन के लिए बात हो रही है, लेकिन जो ऑलरेडी जो मैरिड है लेकिन उनकी सेपरेशन है तो उनके लिए सिचुएशन डिफर कर जाती है, सिचुएशन जैसे कि उनका डिवोर्स चल रहा है तो वो लीगल प्रोसेस हो सकता है कि उसमें न्याय मिले, जो न्याय होना चाहिए वो होगा,
मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपकी तरफ होगा या उनकी तरफ होगा या क्या तरफ, जरूरी नहीं है। जरूरी वो है कि वो जो न्याय होगा वो यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जस्टिस जिस हक में जाएगा, वो जो सोल कनेक्शन है जो होना चाहिए, उसी के हक में न्याय जाएगा। और ये रीडिंग सिंगल लोगों के लिए भी है, क्रश जो है उनके लिए भी है। और सेम वे हो सकता है कि अगर पेरेंट्स का प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली वो आपसे कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। ये दिख रहा है कि अगर, क्योंकि उनको लग रहा है कि पेरेंट्स कुछ भी करे मान नहीं सकते, तो वो कोर्ट मैरिज करना चाहेंगे, ऐसा फील हो रहा है। द हायरोफंट अगेन शादी की बात निकली है, तो डेफिनेटली यहां पे दिख रहा है कि अगेन कनेक्शन स्पिरिचुअल है, तो आप जस्टिस की उम्मीद रख सकते हैं। आपका कनेक्शन अगर स्पिरिचुअल है, आपका कनेक्शन सोल लेवल पर है, तो यहां पे ऐसा दिख रहा है कि डेफिनेटली आप जस्टिस की उम्मीद जरूर रख सकते हैं। यहां पे शादी की बात, कमिटमेंट की बात, एक हायर कनेक्शंस की बात चल रही है। फाइव ऑफ कप्स अगेन, फाइव नंबर दूसरी बार आया है। आप देख सकते हैं कि हायरोफंट में भी फाइव नंबर है और यहां पर भी फाइव नंबर है। तो फाइव ऑफ कप्स इमोशनल सैड, आप देख सकते हैं कि जो खो रहा है, जो लाइफ में जो दुखी अवस्था चल रही है उसकी चीज में बहुत ज्यादा अपसेट है, बहुत ज्यादा दुखी है, सैड है। जो दो कप बाकी है उनके पास, जो रिलेशन बाकी है उनकी तरफ ध्यान नहीं है, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीजें खोने के कगार में है। उनको समझ रहा है कि जो चीज थी ये असली नहीं थी, ये कनेक्टेड नहीं थी, या कुछ जो नहीं था वो हो रहा है। अगर वो छोड़ना नहीं चाहते थे या कुछ भी थर्ड पार्टी के प्रॉब्लम से, तो थर्ड पार्टी की सिचुएशन इस कदर निपटेगी कि आप सोच भी नहीं सकते या वो खुद नहीं सोच सकते। थर्ड पार्टी खुद सिचुएशन से निकल जाएगी अपने आप। तो आप देख सकते हैं कि किस हद तक मिरेकल होते हैं। टेम्परेंस बैलेंस की एनर्जी, अगेन पेशेंस काफी ज्यादा। अगेन कितने सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं मेरे पास, जहां पे दिख रहा है कि आपका कनेक्शन एक डिवाइन है, एक स्पिरिचुअल है, एक एंजल गाइडेड है। डेफिनेटली इसके लिए यहाँ पे कर्मा की साइकिल्स चलते आ रहे हैं, क्योंकि आपको बदलना है, आपको बैलेंस करना है, आपको समझाना है, आपका सोल पर्पस जानना है, इसके ऊपर काम चल रहे है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, तो बेचैनी की बहुत बेचैनी बहुत है, बेताबी बहुत है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स आई थिंक सुबह भी आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बेचैन है और ये जो डिसीजन है ना वो बहुत जल्द ले सकते हैं। कुछ केसेस में ऐसा लग रहा है ना कि पेशेंस रखते रखते बहुत थक गए, अभी वो बेचैनी की एनर्जी में आ रहे हैं, क्योंकि कुछ हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैनिफेस्टेशन से आपके, जो आपके लव वाइब्रेशन उनकी तरफ पहुंच रही है, एक सोल कनेक्शन आप वो फील कर पा रहे हैं, उससे वो दूर नहीं रह पा रहे हैं। ऐसा फील हो, मतलब ऐसा एनर्जी ऐसे ना बेचैनी की एनर्जी है। तो हो सकता है कि रीडिंग्स देखते देखते ही आपको कॉल मैसेज आ सकता है, जैसे कि आपके इवन स्टेटस को लाइक करना, डीपीज देखना, कहीं पर भी कुछ मूवमेंट आपको नजर आ सकती है, क्योंकि बेचैनी की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एस ऑफ वैंड्स, तो अगेन फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, नई शुरुआत है, नई चाह के लिए, अपनी चाह के लिए नए से शुरुआत बहुत चाहते हैं। पॉजिटिव साइन है एस ऑफ वैंड्स का कार्ड, की एक दिखाता है कि उम्मीद बहुत ज़्यादा है। और आपके लिए अप्रिसिएशन का कार्ड आया था और एस ऑफ वैंड्स, तो दिखा रहा है कि आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा है। मतलब आपके जो प्रोफाइल्स है ना वो लिटरली चमक रहे हैं, बहुत ज़्यादा चमक रहे हैं। तो बेचैनी की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, पॉसिबल है कि गर्मा गर्मी में आपको कॉल मैसेज करने की कोशिश हो, लेकिन इनकी एनर्जी मुझे काफ़ी हद तक, अभी तक कमिटमेंट की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी भी है, लेकिन इन एंड आउट की एनर्जी अगर आपको लगे तो प्लीज़ आप सोच समझ के जवाब दीजिए। नाउ द फूल, न्यू बिगिनिंग, तो जीरो से हीरो। तो अभी इसमें जो रिस्क है,
रिस्क, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, अभी वो रिस्क लेना चाहते हैं, जैसे कि थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम हो या पेरेंट्स नहीं मान रहे, जैसे मैंने बोला कोर्ट मैरिज पॉसिबल है, डिवोर्स केसेस पॉसिबल है जो जिनके होने, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सब चीज़ की वजह बन रहे हैं, आप उनको अपने पेरेंट्स से दूर करें, आप उनके फैमिली से दूर करें, ऐसा नहीं है, जो होना है वो होगा, तो वो चीज़ आप ध्यान रखिए, आप अपने कनेक्शंस के लिए स्ट्रांग रहते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इसलिए बोला ना कि आप मैनिफेस्टेशन के थ्रू आप जब जाते हैं तो आपको एक अंदाज़ा तो होगा कि ये कनेक्शंस आपका सोल लेवल का है और स्पिरिचुअल है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन उनके वर्क करते हैं, काम करते हैं जहाँ पे कनेक्शन बहुत ज़्यादा सोल लेवल का है, क्योंकि कार्मिक के लिए हम ना एक हद तक ना गाली देते बैठ जाते हैं, चिल्लाते बैठ जाते हैं कि बस गलत हो गया है, गलत किया है, सब कुछ बस आपको गलत ही गलत नज़र आता है, और जो कनेक्शन सोल लेवल पे है डीप लेवल के, आप बस रोते रहते हो, भले वो इंसान ने कितनी भी गलती हो आप रोते रहते हो, बट संभव एक वक्त के बाद उनको कोसने से ज़्यादा उनको पाने का जो जज्बा है वो ज़्यादा रहता है। मुझे लगता है रीडिंग करनी चाहिए जिसमें पता चले कि आपका कनेक्शन सोल लेवल का है कि कार्मिक है। तो दो कार्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो कोई किसी से भाग रहा है, वो आपसे भाग रहे हैं, थर्ड पार्टी उनसे भाग रही है, या वो थर्ड पार्टी से भाग रहे, कुछ तो गड़बड़ चल रही है, और सेवन ऑफ पैंट्स दिखाता है कि डेफिनेटली अब इस रिश्ते में स्टैंड लेने के लिए वो तैयार है, इस कंपटीशन को, इस चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार है, और सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है कि भाग रहे अभी तक अपने हालातों से, अपने फीलिंग से, आपसे जवाब क्या दे आपको, ऐसी एनर्जी लग रही है। दौर कार्ड फाइनल एनर्जी, टू ऑफ पेंटिकल्स, अभी तक शुरुआत मतलब एक कमिटमेंट तो मन में है लेकिन अभी तक श्योर नहीं हुआ है डिसीजन पे, चाहते तो बहुत कुछ है, रिस्क लेना चाहते हैं, दुखी तो है, आना तो चाहते हैं, बात तो करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक दो माइंड्स में है कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली बैलेंस की एनर्जी अगेन है, तो सिक्स नंबर समाव आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि दो हफ्ते या छः हफ्ते, और ये अक्टूबर मंथ, दिस मंथ ओनली आप लोगों में बहुत लोग को रिजल्ट आ सकता है। मुझे तो अभी हर एक कमेंट, एक वीडियो में एक रियूनियन का मैसेज ऑलमोस्ट एक डे आफ्टर तो आ ही रहा है, तो आई एम जस्ट होपिंग कि बस आगे सब बढ़ता रहे, क्योंकि काफ़ी जस्टिस का एक फेज चालू है ऐसा फील हो रहा है, तो नवंबर मंथ में भी स्कोप है डेफिनेटली। 5-5 डबल बार आया है, और एक बार आया है क्या, नहीं, ओके okay. तो एस ऑफ वैंड्स एंड द फूल बता रहे हैं कि नई शुरुआत तो डेफिनेटली चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, रिस्क और बैलेंस की एनर्जी काफ़ी एक्टिवेटेड है कि जो भी चीज़ें नहीं थी वो होनी चाहिए, ऐसा उनको भी लगता है, उनको भी आगे आना चाहिए, हमेशा आपका ही सब करना ठीक नहीं है, आप वो भी एक बैलेंस की एनर्जी में आ रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप जो वाइब्रेशंस जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं वो वर्क हो रहा है, काफ़ी हद तक एनर्जी स्टेबल होते जा रही है, माना कि प्रॉब्लम्स है, इवन ये प्रॉब्लम से निकलने की एनर्जी भी लग रही है, कैसे किया जा सकता है, तो देखते हैं कि एंजल्स क्या आपको आंसर देना चाहेंगे। लिसन टू योर इंट्यूशंस, आपके अंदर की आवाज़ आपको अच्छे से गाइड कर सकती है, तो उसकी सुने, आप जरूर सुने। मैंने कहा ना कि आपका दिल क्या कहता वो इम्पोर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि आप आपके दिल के लिए आप बस कुछ निगेटिव चीज़ें भी हो रही है फिर भी आप एक्सेप्ट करते जा रहे हो, ये इसका कदम मतलब नहीं है, बस एक इंट्यूशन है कि हाँ ये चीज़ काम करेगी, विश्वास है अपने ऊपर, प्यार के ऊपर और यूनिवर्स के ऊपर पूरी तरह से, इफ यू बिलीव, अगेन विश्वास की बात की है, विश्वास भी आ गया, इफ यू बिलीव
अगर आपको लगता है, अगर आपका विश्वास है यूनिवर्स के ऊपर, आपके ऊपर, खुद के ऊपर और अपने प्यार के ऊपर, तो सक्सेस जरूर है। सुबह भी कार्ड में सक्सेस आया था और मुझे ऐसा एनर्जी वाइज फील हो रहा है कि सक्सेस जरूर होगा। आज की एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा बेचैनी की एनर्जी काफ़ी अगेन बहुत ज़्यादा है, फिजिकल अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा है, चीज़ें काफ़ी बदल रही है। तो आपके डीपीज ऐसे चमकने चाहिए, प्रोफाइल्स चमकने चाहिए, मेहनत कीजिए अपने ऊपर, चीज़ें आप मिरेकल जैसे, चमत्कार जैसे मुंह होते हुए दिखेंगी। तो ये थी रीडिंग मेरी करंट फीलिंग्स के लिए, तो होपफुली आपको कुछ गाइडेंस मिला हो। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।